अप्रैल मई जून जुलाई ये समय ऐसा होता है कि वर्षा के पानी को संग्रह करने का उत्तम अवसर होता है और अगर हम एडवांस में जितनी तैयारियां करें उतना हमें फायदा मिलता है। मनरेगा का बजट भी इस जल संरक्षण के लिए काम आता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। हर साल मनरेगा बजट से हटकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन पर औसतन 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2017-18 की बात करें तो मैं 64,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 55% यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जल संरक्षण जैसे कामों पर खर्च किए गए। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरह के जल संरक्षण और जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से करीब करीब 150 लाख हेक्टेयर भूमि को अधिक मात्रा में लाभ मिला है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मनरेगा में धनराशि मिलती है, कुछ लोगों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। केरल में उट्टेम पेरूर उस नदी पर 7,000 मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया। गंगा और यमुना पानी से भरी हुई नदियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई और इलाके भी हैं। जैसे फतेहपुर जिला का ससुर खदेरी नाम की 2 छोटी नदियां सूख गई। जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य को बढ़ा दिया। करीब करीब 40-45 गांवों के लोगों की मदद से ये ससुर खदेरी नदी जो सूख चुकी थी उसको पुनर्जीवित किया। पशु हो, पक्षी हो, किसान हो, खेती हो, गांव हो, कितनी बड़ी आशीर्वाद भरी ये सफलता है। मैं यही कहूंगा कि फिर एक बार अप्रैल मई जून जुलाई हमारे सामने है। जल संचय जल संरक्षण के लिए हम भी कुछ जिम्मेवारी उठाएं, हम भी कुछ योजना बनाएं, हम भी कुछ करके दिखाएं।